नमस्कार जनता दरबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। प्रीति की मच अवेटेड मूवी फाइटर का टीजर रिलीज हो चुका है। डायरेक्टर सिद्धार्थ ने मूवी में बिल्कुल अलग नए लेवल का एक्शन दिखाया है। फाइटर में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण लीडिंग रोल में है। इनके साथ अनिल कपूर भी नजर आने वाले हैं। करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबेरॉय और संजीदा शेख भी फाइटर की कास्ट का हिस्सा है। अभी तक जमीन पर वॉर, पठान जैसी एक्शन फिल्में लेकर आए सिद्धार्थ इस बार आसमान की ऊंचाइयों पर एक्शन लेकर के आए हैं और टीजर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। फाइटर की कहानी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स पर बेस्ड है। फिल्म में ऋतिक के किरदार का नाम शमशेर पठानिया है। उनके साथ हवाई एक्शन में टक्कर दीपिका पादुकोण मीनल राठौड़ के रूप में दे रही है। दोनों ही एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर हैं। अनिल कपूर ग्रुप कप्तान राकेश जयसिंह बनकर एक्शन करते नजर आएंगे। इस टीजर में आपको वॉर की याद आने वाली है क्योंकि एक सीन में ऋतिक रोशन अपने जेट से एक तिरंगे के साथ बाहर निकलते नजर आने वाले हैं। टीजर में शानदार फाइट पायलट्स की ये गैंग अपने पूरे स्वैग के साथ एक मिशन के लिए तैयार होती नजर आ रही है। ऋतिक और दीपिका पहली बार किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म के विजुअल्स बहुत दमदार हैं। टीजर के एक सीन में दूसरा जेट पाकिस्तानी एयरफोर्स को लगता है। टीजर में भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की एक लाइन सुजला सुफला मलय शीतलाम को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर यूज किया गया है और ये मोमेंट टीजर में ही रोंगटे खड़े कर देता है। मूवी में तो शायद आपके रगों में खून दौड़ने लगेगा। आपको बता दें, सिद्धार्थ आनंद सिर्फ फाइटर के डायरेक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। वॉर और पठान के बाद इस बार एक्शन का लेवल टीजर में जो दिखाई दे रहा है वो यकीनन ऑडियंस के लिए एक एक्साइटिंग चीज है। ये एक फ्रेश कहानी है जो देशभक्ति के जज्बे को पैदा कर देगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर ये फिल्म फाइटर 25 जनवरी को थिएटर पे रिलीज होने वाली है। टीजर देख के अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये फिल्म एक और ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।